राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना द्वारा 22 मार्च को मुंबई में भव्य जनसभा का आयोजन किया गया है। इस जनसभा में बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान कन्या सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोकामेड़ी और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने नागरिकों से किया है। 22 मार्च को महाराष्ट्र के मुंबई में भाईंदर में बालासाहेब उद्यान के अंदर में एक श्री राष्ट्रीय राजपूत कन्या सेना द्वारा जनसभा हो रही है और रैली हो रही है। उसमें हम सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं। हमारे मुद्दे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण को किया जाए, एट्रोसिटी एक्ट में 18A उसको हटाया जाए, इसके अलावा गाय को भारत माता घोषित किया जाए और इसके साथ साथ जो छोटी बच्चियों के साथ दरिंदगी और गलत काम होते हैं उन दरिंदों को फांसी सरेआम चौक में दी जाए। इन मुद्दों को लेकर के हम मुंबई में ये एक भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं 22 मार्च 2020। आने वाले 22 मार्च को हम लोगों का एक भव्य रैली का कार्यक्रम रखा गया है मुंबई में बाला साहब हॉल में रखा गया है। और इसमें मेरा मेन मुद्दा हम लोगों का ये रहेगा कि जो आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए और दूसरा ऐसी एक्ट जो है उसको वापस लेना चाहिए गवर्नमेंट ने, इसी मुद्दे पे हमारा वो रैली है और प्रोग्राम है कार्यक्रम बड़ा बहुत काफ़ी पूरे देश से उसमें लोग आ रहे हैं, भारी संख्या में लोग रहेंगे वहाँ पर।